हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अपनी वेबसाइट के आर्टिकल में कोड बॉक्स कैसे ऐड करते हैं। यदि आप नहीं जानते कोड बॉक्स कैसे ऐड करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाता हूँ। नेट स्लो है थोड़ा। यहाँ पे आपको सर्च करना है टिप्स एंड ट्रिक्स 75, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मैं सर्च कर ले रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स 75, टिप्स एंड ट्रिक्स 75, बस इतना आपको सर्च करना है। बस इसे ही बस ओपन ही हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले ऊपर ही में आ गया आपको। तो इस पर आपको क्लिक करना है पहले वाले पे टिप्स एंड ट्रिक्स 75 पर। बस ये साइट खुल जाएगा, देख लीजिए लोगो इसी तरह रहेगा। इसी साइट पे आना है आपको। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। रात के 12:25 हो गया, तब भी अभी तक नेट नहीं चल रहा है इतना। पे देख सकते हैं दोस्त, आजकल 12 बजे को रात 12 बजे के बाद भी नेट नहीं चलता। देखिए तब ये आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉग वेबसाइट पोस्ट में कोड बॉक्स कैसे ऐड करते हैं। तो इस पर क्लिक करिए, सबसे पहले ऊपर ही मिल जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं तो नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्लॉगर वेबसाइट पोस्ट में कोड बॉक्स। अब आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो ये साइट आपको मिल जाएगा और ये आर्टिकल भी मिल जाएगा। खुल जा यार, खुल जा, जल्दी खुल जा भाई, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं खुल गया है साइट। अब यहाँ से देखिए लिखा गया है, तो यहाँ से पढ़ के आप अच्छे तरह से अपने आर्टिकल वेबसाइट के पोस्ट में कोड बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कोड है, इस कोड को मैं अभी तुरंत कॉपी कर लेता हूँ, आप भी तुरंत कर ले आगे कॉपी। और इसको आप नोटपैड में या कहीं पर भी सेव कर लें। मैं तो जाहिर सबसे बताऊँगा कि आप नोटपैड या गूगल ड्राइव में सेव कर लें। मैं पहले से करके जो रखा हूँ उसको दिखा दे रहा हूँ आप लोग को भी कैसे करना है। इसके लिए जाना है आपको नोटपैड में, अपने नोटपैड, ये देखें मेरा नोटपैड यहाँ पे है। नोट पैड में आना है, देख सकते हैं मैं पहले ही से कोड कॉपी करके रखा हूँ। मैं आप लोग को एक बार और दिखा दे रहा हूँ। बस ये प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, नीचे जो दिखा रहा है, देखिए न्यू नोट पैड नोटबुक खुल गया। यहाँ पे ऐसे सेव करना है, सेव के बटन पे क्लिक करना है, बस इसे सेव हो गया। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है डायरेक्ट अपने उसी साइट पर जाना है। तो मैं हटा दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो जो बताया गया उसे आप डायरेक्ट फॉलो करें। मैं पहले एक बार पढ़ चुका हूँ, तो ये गैर से बात है कि मैं ही लिखा हूँ तो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे को पता है। तो आप ज़रूर एक बार पढ़ लें अच्छे से, जैसे जैसे बताया होगा इसमें उसी तरह रूल को फॉलो करें। तो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ से कॉपी कर लेना है, फिर जाना है अपने पोस्ट में। मैं अपना ब्लॉग खोल ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च मार ले रहा हूँ, अपना ब्लॉग दिखा दे रहा हूँ।
पोस्ट देख लीजिए, मैं अभी इसमें कुछ नहीं किया हूँ, बस इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे करना है। इसको डेस्कटॉप पे कर ले रहा हूँ, पहले आप ही डेस्कटॉप पे करके इसमें आपको एचटीएमएल का कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करना है पोस्ट में आके, नहीं तो एचटीएमएल में बहुत दिक्कत होता है मोबाइल से करने में। इससे पहले उस कोड को जो कोड हुआ पे हम लोग सेव किए थे कॉपी करके, उसको यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है टोटल, एक भी वर्ड नहीं फिरना चाहिए नहीं तो नहीं होगा। सेव करने के बाद आपको जाना है अपने न्यू पोस्ट में। न्यू पोस्ट में साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए एरो का ऑप्शन दे रहा है नीचे तरह का, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए कंप्रेस व्यू पे है, तो आपको जाना है एचटीएमएल व्यू पे। एचटीएमएल व्यू पे करने पर आप कोई भी पोस्ट लेकर एचटीएमएल व्यू पे कर ले आगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है इसे, यहाँ पे आपको इसी के यही पे जस्ट जो एरो बना है सबसे नीचे कुछ भी आप लिख रहे हैं पोस्ट, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको आगे। सॉरी बैक हो गया, मैं आगे कुछ लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं तो ऐसे आप सोचेंगे कि फालतू में ऐसे ही बता रहा है। अरे मैं यहाँ पे कुछ कॉपी करके रख ले रहा हूँ कि पता चल जाए आप लोग को कुछ लिखा है यहाँ पे। बस मैं इसको यहाँ से कॉपी किया, आप कुछ भी लिखा हूँ बस मैं यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके लॉक अप। बस यहाँ पे आके बस इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अब आपको जाना है, ये देखिए अभी एचटीएमएल व्यू पे है, ये उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को जो चाहिए वहाँ पर। अब देखिए एक स्टेप नीचे जाना है, बस यहाँ पे आपको फिर रिटर्न और पोस्ट कॉपी जो कोड कॉपी किए थे वहाँ से देखिए यही है, बस यहाँ से इसको कॉपी करें। बस सबसे नीचे जाके पेस्ट कर दो बस। अब यहाँ पे आपको एक काम करना होगा, पोस्ट के अंदर जो चीज़ ऐड करना है आपको, लिंक बस छोड़ के, लिंक आप कौन करेंगे तो लिंक का ऑप्शन नहीं आएगा वहाँ पे, लिंक के लिए अलग से वीडियो बनेगा, बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जल्दी, मतलब आप बैक करना चाहे तो बैक नहीं होता, इसको आप बैक करने का तरीका मैं बताऊँ। एक बार ऐसे क्लिक करें इसी साइड में, फिर बैक का ऑप्शन करें, फिर नहीं होगा तो दोबारा फिर उसी तरह आपको एक बार फिर सिलेक्ट का ऑप्शन के पे क्लिक करना है, फिर देखिए फिर बैक करें फिर होगा। फिर ऐसे ही आप सिलेक्ट का ऑप्शन तब तक ओपन रहेगा वहाँ पे जब तक बैक होगा, नहीं तो ऐसे आप कुछ भी कर लें नहीं होगा। बस ये देखिए बैक हो गए। अभी यहाँ पे हम लोग को लिखना है, मैं आपको बताने के लिए मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, मेरा नाम नीरज है, देखिए मैं नीरज लिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पॉइंट देना, बस इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ और भी देना चाहे तो अब मैं ट्राई के लिए बस बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल के लिए आपको जो ऐड करना हो वहाँ पे ऐड करें। फिर से बैक हो गया शायद, सॉरी दोस्तों फिर एक बार बैक हो गया। वैसे ये सेव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल जाएगा।
आप देख सकते हैं ये सेव ही है, बस मैं इसको अब पब्लिश कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, नहीं तो आपको दिखा दे रहा हूँ आगे उस पर कंप्रेस पे करके कंपोज व्यू पे स्विच स्विच पे क्लिक करें तभी दिखा दे। ये देखिए बॉक्स आ गया हमारा, ये देखिए मेरे। अब यहाँ पे और कुछ भी ऐड करना चाहे आप, जहाँ पे ऐड कोड लिखा है वहीं पे आपको ऐड करना है, जस्ट इधर उधर कहीं भी करेंगे तो वो नहीं शो होगा। तो देखिए मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ नीरज डॉट, तो नीरज डॉट आने लगा वो, तो मैं इसको भी प्रीव्यू ऑप्शन पे भी दिखा दे रहा हूँ कैसे दिखाई दे। देखिए प्रीव्यू में इस टाइप से दिखा देगा, मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए आईपैड का ऑप्शन दिखा है, तो आईपैड में आपको ऐसे बॉक्स दिखाएगा, जूमिंग इसमें दिया नहीं है। अब डेस्कटॉप में आपको ऐसा दिखाई देगा, एकदम छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा। फ़ोन में आप देखना चाहें तो फ़ोन में अच्छी तरह से दिखाई देगा बड़ा। आजकल ज़्यादातर लोग फ़ोन ही से यूज करते हैं तो फ़ोन के लिए बेटर है, वैसे तो सब के लिए बेटर है जैसे आप डालेंगे। देखिए सब कोड फाइन हो गया है, बस भी इसे आप बैक करना है इसको। आप और कुछ भी डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, बस तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। और इसी तरह रेगुलर वीडियो कुछ नया सीखने के लिए हर तीसरे दिन पे मेरा एक नया वीडियो आता है कुछ नए टॉपिक पे ब्लॉगर पे, तो आप वैसे ही आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या नए ब्लॉगर हैं या पुराने भी, तो मैं कुछ बताऊं तो आपको आपके लिए अच्छा हो, आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह रेगुलर कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे से कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं आप तो मेरे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का भी दिया गया है उस पर लिंक, वहाँ से आप क्लिक करके मेरे से बात कर सकते हैं अच्छे से। मैं आपको कमेंट का यार जो मैसेज करेंगे उसका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर दे दूँगा। तो इस बस इतने आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।